हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हमने अपने इस चैनल में कुछ रोज़ पहले एक वीडियो डाला था स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस कैसे आपको वेट गेन करने में एक कल्प्रिट साबित होता है, कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचा जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेस ये स्ट्रेस आपके पास ना ही आए तो कितना अच्छा हो, और उसके लिए हम कुछ एक फूड आइटम्स की आपके साथ बात करेंगे कि वो खाने से आपके अंदर एक जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिससे स्ट्रेस बनता है, वो फूड आइटम्स उसको सप्रेस करते हैं, और जब वो हार्मोन ही नहीं बनेगा तो स्ट्रेस आपके पास आएगा ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स की। सबसे पहले बात करते हैं ओट मील्स के बारे में। ओट्स का तो बेनिफिट इसमें हेल्थ में बहुत ज़्यादा है, और वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आजकल इसका प्रचलन भी बहुत बढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें सेरोटोनिन होता है, जो एक हैप्पी हार्मोन की तरह होता है, जो आपको हमेशा खुश खुश रखता है। तो और दूसरा, इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एक सोल्यूबल फाइबर होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें मिल जाएं, आप खुश रहेंगे, सोल्यूबल फाइबर है। तो ओट मील में ये सारे ही फायदे होते हैं, जो आपके हेल्थ बेनिफिट इससे मिलता है, आपका वेट लॉस इससे होता है, आपका स्ट्रेस लेवल इससे कम होता है। उसके बाद आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी की बात करें तो इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, जो आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं, और ये कॉर्टिसोल बनता है स्ट्रेस के कारण। जब इसका लेवल ही कम हो जाएगा तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। इसके साथ ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन की एंग्जाइटी को कम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है स्ट्रेस लॉस में और वेट लॉस। आपके साथ हम बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट भी बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी फैट हमें कहाँ से मिलता है, नट्स और सीड्स से। इससे ब्रेन हेल्थ बढ़ती है, ब्रेन की क्लैरिटी बढ़ती है, तो ये भी खाने चाहिए। और जब इससे ब्रेन की क्लैरिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पिनेच के बारे में या पालक। पालक तो मिनरल रिच होता ही है, इसमें मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। इसमें फाइबर भी बहुत होता है, तो फाइबर होगा तो आपको फुल रखने में भी मदद करेगा। इसमें मिनरल्स होंगे, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगा तो स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। इसके साथ आप और भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। सभी वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं, बट इसमें ये लेवल ज़्यादा होता है। दही भी बहुत, दही या योगर्ट बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसमें ये आपके जो न्यूरोटॉक्सिन्स को कम करने में हेल्प करता है, और स्पेशली टारगेट करता है न्यूरोटॉक्सिन्स को कम करने में, और इससे आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये अगर आप खुद घर में दही बना के खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारी किचन में इतने सारे मसाले होते हैं जो एक थेरेपी का काम करते हैं, अगर हम उनको ठीक तरीके से खाएं तो। जैसे कार्डेमम है, जैसे सिनेमन है, हल्दी है, तो छोटी इलायची और दालचीनी की तो खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसको हम या तो पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, या तो दूध में पी सकते हैं, दूध में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, या अपने खाने में ऐसे शामिल करें। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और मूड को एक तरह से आप कह सकते हैं बूस्ट करती हैं, लाइट करती हैं, मतलब जिस चीज़ को देख के खुशी होती है अंदर से, हम अच्छा फील कर। फिर आता है गार्लिक। गार्लिक में सेलेनियम होता है, जो कि अगर डॉक्टर्स की भाषा में बात करें तो डॉक्टर उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो मतलब ये डिप्रेशन से बचाता है, गार्लिक की ये प्रॉपर्टी है। और दूसरा, गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये हमारे ब्लड के लिए, ब्लड थिकनिंग नहीं होने देता है, ब्लड के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो और मूड को लाइट करता है। मतलब हमारे तो किचन में इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि जिससे स्ट्रेस आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो वेट भी नहीं गेन होगा, वेट लॉस में भी फायदा होगा। चलिए फ्रूट्स की बात करते हैं। तो सिट्रिक फ्रूट्स जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ये इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी रिच होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो फ्री रेडिकल मतलब जो नहीं चाहिए हमको चीज़, वो बाहर निकल गई तो स्ट्रेस अपने आप ही ख़त्म हो गया। हनी, ये एक नेचुरल स्वीटनर है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, और ये आपके, अगर इसको आप बादाम के साथ, नट्स के साथ खाते हैं तो ये आपके लिए स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है।
आप नट्स को रात को भिगो दें और सुबह उनको या तो पीस लें या फिर ऐसे ही छील के उसके ऊपर हनी डाल के खाएं, तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हनी में तो बहुत सारे फायदे। अब है बनाना, बनाना में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब ये सारे जितने भी फूड्स के बारे में, चाहे मैंने वो नट्स के बारे में बात की हो, फ्रूट्स के बारे में या मसालों के बारे में, तो ये सारे ही जो हैं आपका एक तो वो कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। उसके बाद ये आपके माइंड को फ्रेश करते हैं, ब्रेन को फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हार्ट को मजबूत करते हैं। तो और क्या चाहिए, हमारा सब कुछ मजबूत हो गया, सब कुछ फ्रेश हो गया, तो हम अपने आप ही हेल्दी हो गए। और अगर हेल्दी हो गए तो स्ट्रेस फ्री और वेट भी हमारा नॉर्मल हो जाएगा, वेट गेन का चांस भी नहीं होगा, अगर गेन किया है तो वो भी लूज हो जाएगा। तो आई होप ये इन चीज़ों के बारे में मैं कई जगह पर बात करती हूँ, और क्योंकि ये हैं ही इतनी अच्छी चीज़ें कि मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आपको बताती रहती हूँ। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और आपके वेट मैनेजमेंट के लिए ये खाने बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको ट्राई करें, अपने खाने में इनको शामिल करें थोड़ा थोड़ा करके और इसके फ़ायदे लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, अपने कमेंट्स देते रहें। थैंक यू।